हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड सी अंकित और ये हमारा वीडियो है ई इनवॉइसिंग के ऊपर। जैसा कि दोस्तों इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था जो कि था जिसका टॉपिक था कि जीएसटी के जो दो बड़े चेंजेस जो 2019 में होने वाले हैं, जिसका वीडियो का लिंक मैंने अपने इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो अब हम चलते हैं ई इनवॉइसिंग के ऊपर। ई इनवॉइसिंग जीएसटी में जो आने वाला है वो क्या है, वो कहाँ से इसकी डिस्कशन स्टार्ट हुई और वो इनवॉइसिंग वाला मॉड्यूल कैसा रहेगा, ये समझना हमारे लिए अभी ही ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों जब ये आ जाएगा तो उस टाइम हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा कि इसके अकॉर्डिंग हम अपने सिस्टम में क्या क्या करें और क्या क्या किस तरीके से हमें इसमें इसको एडॉप्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो सर्कुलर, वो लेटर जिसके अंदर इस ई इनवॉइसिंग के बारे में बात हुई है।
दोस्तों अब मैं आपको साउथ कोरिया के टैक्स इनवॉइसिंग के बारे में बताऊंगा। जैसा कि ऑर्डर में भी लिखा होता है कि वो साउथ कोरिया या लैटिन अमेरिका के सिस्टम को रिव्यू करेंगे, तो चलिए हम उठाते हैं साउथ कोरिया में टैक्स इनवॉइसिंग का क्या सिस्टम है। तो साउथ कोरिया के अंदर जो टैक्स इनवॉइसिंग का जो सिस्टम है वो उन टैक्स पेयर के लिए है जो टैक्स पेयर सोल प्रोप्राइटरशिप वाले नेचर में आते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि वो सोल प्रोप्राइटर की टर्नओवर अगर 300 कोरियन वोन जो उनकी करेंसी है उससे ज्यादा के 300 कोरियन वोन से, तो उस केस में ये ई इनवॉइसिंग उस टैक्स पेयर को करना होगा वहां पे। और वहां पे जो सिस्टम है वो सिस्टम ये है कि गवर्नमेंट ने एक पोर्टल दे रखा है जहां पे टैक्स पेयर जाके ई इनवॉइस जनरेट कर सकता है, या वो जो एएसपी होते हैं एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर उनसे सर्विसेज एप्लीकेशन लेके अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करा सकता है। इंटीग्रेशन के बाद वो अपने सॉफ्टवेयर से ही इनवॉइस नंबर जनरेट कर सकता है सिस्टम के थ्रू। अब इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है इसमें कि ये मैकेनिज्म चलता कैसे है, इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि कोरियन ई इनवॉइसिंग के अंदर कुछ रिक्वायर्ड और इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है और कुछ वॉलंटरी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों? सबसे पहले रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है कि जैसे यहाँ पे जीएसटी नंबर है वहां पे बिजनेस लाइसेंस नंबर है, तो सप्लायर को अपना बिजनेस लाइसेंस नंबर, नेम और टाइटल देना होगा, और उसके अलावा जिसको वो सप्लाइड कर रहा है उसका भी बिजनेस लाइसेंस नंबर और उसका की आईडी, बिजनेस लाइसेंस नंबर आईडी और उसके बिजनेस नेम की डिटेल देनी होगी। पर क्या एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि वो अनरजिस्टर्ड को माल बेच रहा हो, तो उस केस में बिजनेस लाइसेंस नंबर नहीं होगा। तो उस केस में जैसे यहाँ पे हमारे इंडिया में पैन नंबर होता है वैसे ही वहां पे रेजिडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसको वो वहां पे मेंशन करेगा। तीसरी बड़ी चीज, उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई और जो वहां का वैट अमाउंट है ये दो चीजें इनवॉइसिंग के अंदर देनी होगी। यानी कि आइटम वाइज डिटेल देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस उसके अंदर वैल्यू बताना है और वैट का अमाउंट बताना है। तो जैसे या फिर वैट का रेट बता दिया या जीएसटी का रेट बता दिया तो अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगा। यानी कि ये दो मेजर इंफॉर्मेशन देनी है टैक्स कैलकुलेशन से रिलेटेड। और लास्ट इज अ डेट ऑफ प्रिपरेशन, की डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन डेट क्या है। तो ये दोस्तों ये चार इंफॉर्मेशन देने के बाद वहां पे ये ई टैक्स इनवॉइस जनरेट हो जाता है साउथ कोरिया के अंदर। कुछ एक इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि टैक्स पेयर दे सकता है, जैसे कि एड्रेस डिटेल जिसको माल सप्लायर का और जिसको माल सप्लाई कर रहा है दोनों से रिलेटेड, आइटम की भी डिटेल दी जाएगी, यूनिट प्राइस क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है इसकी डिटेल, और डेट ऑफ सप्लाई एंड अदर कंसिडरेशन की बात भी वो इसमें ऐड कर सकता है। तो दोस्तों ये है साउथ कोरिया का मैकेनिज्म जिसके थ्रू वो ई इनवॉइस सिस्टम को मेंटेन करते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए अभी ये जो नए जीएसटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसके ऊपर और भी वीडियोस लेके आऊंगा। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।